नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक दास और हम महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं जी। ओके, नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? संयोजा दासी, महाराष्ट्र से आए हैं हम कोल्हापुर। ओके सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी शादी हुई है जिसको ब्रह्मैनी बोलते हैं, इसमें ये कैसे हुई? कोई लेन देन हुआ आपको? कोई हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ था? जी नहीं जी, कोई भी हल्दी मेहंदी का फंक्शन नहीं हुआ था, कोई भी लेन देन नहीं हुआ था, कोई भी भंडारे की व्यवस्था हमें अलग से नहीं करनी पड़ी। परमात्मा की दया से सब हमारे यहाँ पर परमात्मा ने सब दे रखा है। कुछ लड़की वालों से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा ने हमें घर में भंडार भर के दिया हुआ है, क्या लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या क्या जरूरत है भगत प्रीति जी? और परमात्मा अपने जो लड़की वाले हैं उन्होंने अपनी लड़की को 18 साल तक पढ़ाया लिखाया, उसका पालन पोषण किया, और फिर उसके बाद उसके लिए, उसके दहेज के लिए, शादी के लिए अगर उनको पैसा खर्च करना पड़ता हो तो ये बहुत दुर्दैवी की बात है हमारे लिए। और ये समाज से कुरीति है जो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सानिध्य में करवा रहे हैं जी। सर, आप बता रहे हैं कि आपसे कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, कोई भी आपका खर्चा नहीं हुआ है, तो जो यहाँ पे आपकी रमैनी हुई है ये किसके सानिध्य में हुई है, किन्होंने करवाई है ये? जी, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये हमारी रमैनी हुई है। और सारे जगत को भी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का समावेश करें, उनसे दाम दीक्षा ले और अपने जीवन का कल्याण कराए, और अपने समाज में जो कुरीतियाँ है उनके बारे में जानने की कोशिश करें। क्योंकि आज का जो युवा समाज है उसे जानना ही नहीं है कि हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है। जो कोई अपने लिए सोचता है, अपने पड़ोस के बाजू में कुछ हो रहा है तो उसके बारे में उसे नहीं पता होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अगर हम ध्यान समझेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम भरत दास है, हिमाचल प्रदेश से। ओके, नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? विमलेश नाम है, एमपी से आई हूँ मैं। ओके, तो हमारी जनता ये जानना चाहेगी जो आपकी शादी रमैनी हुई है, ये 17 मिनट की रमैनी जो हुई है इसमें कोई लेन देन नहीं होता, तो क्या सच में कोई लेन देन नहीं हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आपकी कोई हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने सिंपल तरीके से आपने जो शादी की, आप इसे खुश हैं? हाँ जी, हमारे परमात्मा बताते हैं, बंदिश और सबको रामपाल जी महाराज बताते हैं कि टी मैरिज करनी है, कुछ लेना नहीं है कुछ देना नहीं है। तो आपका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आपको उनके ज्ञान से समझ आया कि कोई लेन देन नहीं करना, राइट? तो हम लड़की वालों से पूछना चाहेंगे उन्होंने कोई लेन देन किया है? हाँ जी मैम, आप बताइए कोई लेन देन हुआ आपका? कुछ भी नहीं लिया दिया हमने। आपने इतने सिंपल तरीके से शादी कैसे करी, क्योंकि लड़की के तो बहुत सारे सपने होते हैं। ये हमारे गुरु जी का आदेश है, उनका भी यही वो है का, इसमें श्रृंगार नहीं करना है, लहंगा वहंगा नहीं पहनना, सादा सिंपल शादी करना। ये बोलना चाहते हैं कि साधारण तरीके से भी शादी की जा सकती है, उससे भी एक शादी हो सकती है जिसको आप रमैनी बोलते, राइट? तो इसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? गाँव बामनोला, जिला जजर। जो अभी आपकी दहेज मुक्त रमैनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई है? बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई, कोई भी फंक्शन हल्दी मेहंदी कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई भी खर्चा हुआ है। ओके, मीन्स मतलब आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब हर किसी लड़की का ये ड्रीम होता है कि मतलब उसकी जो वेडिंग हो बिल्कुल ग्रैंड तरीके से हो, तो मीन्स इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने जी ने हमें बताया है कि ये सब डांस वगैरह गाने ये सब आडंबर है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी 17 मिनट की रमैनी चली थी उसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति हुई और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये रमैनी हुई है। थैंक यू मैम। थैंक यू।